हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज से हम करने वाले हैं कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट। जैसा आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो टीयर टू में आ चुका है और क्वालिफाइंग है नेचर में, बट वी नीड टू कंप्लीट द होल सिलेबस। तो आपका मेरा ये टारगेट रहेगा कि 5 से 6 वीडियोस के अंदर कंप्यूटर का सारा जितना भी हमारा सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कर दूं, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बाद वो प्रैक्टिस सेशंस में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हमारे सिलेबस अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं कंप्यूटर में, जिसमें सबसे पहली है कंप्यूटर बेसिक्स। तो आज हम कंप्यूटर बेसिक्स करने वाले हैं। सबसे पहली यूनिट जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अंदर बहुत बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर से डरने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जितना आप एग्ज़ाम भी देने जाते हो, जितना बेसिक नॉलेज आपके पास कंप्यूटर की है आप उससे क्वालिफाई कर सकते हो। इट्स जस्ट कि इस वीडियोज़ की हेल्प से आपको क्या लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि कुछ टर्म्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, आपको उनके बारे में पता लग जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर बेल बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पे ही आते हैं। इसी के साथ ये प्लेलिस्ट हैं जो कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपका मैथ्स का क्रैश कोर्स है, इंग्लिश का क्रैश कोर्स है, और जीएस का यानी जीके का जो क्रैश कोर्स है वो आपके पास अवेलेबल है। प्लेलिस्ट बना रखी हैं, टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स और कंप्लीट बहुत कम वीडियोस में कैसे आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, एक ओवरव्यू कैसे मिल सकता है आपको पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कंप्यूटर की। ये हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक जो बिजली से चलने वाली एक डिवाइस है। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सारी कैलकुलेशंस बहुत कुछ सेकंड्स के अंदर कर सकती है, राइट। तो बेसिक चीज़ आपको पता है कि एक मशीन है जिसमें आप जिसका यूज़ करते हो अपना काम हल्का करने के लिए, ये है कंप्यूटर। लेकिन अभी हम कुछ अलग फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सेसिंग टूल, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको प्रोसेस करना कि कैसे आप उसको, जैसे अगर आपको मैं कुछ भी बात बोलूं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी उस बात को रिसीव करने की। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना यानी उसको एक समझाना, और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का एक टूल है विच मीन्स इट एक्सेप्ट सम इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, ये इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा टू प्रोड्यूस अ न्यू इन्फॉर्मेशन, और उस एक्सेप्टेड इन्फॉर्मेशन से, यानी अगर मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रही हूँ मैथ्स का, तो आप क्या करोगे, वो कंसेप्ट आप सिमिलर क्वेश्चन में लगा के उनको सॉल्व करोगे ना। सेम यही कंसेप्ट है कंप्यूटर का, कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है, आफ्टर दैट उस एक्सेप्टेड इन्फॉर्मेशन से वो नई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। तो ये है एक कंप्यूटर। सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो जिसकी जिसने बनाया था वो थे ब्लेज पास्कल, और इन्होंने जो कैलकुलेटर बनाया था उसका नाम था पैस्कलिन। तो ब्लेज पास्कल डेवलप्ड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642 AD कॉल्ड पैस्कलिन। ये एक फैक्ट है, एक स्टैटिक फैक्ट है जो आपको लर्न करना होगा। चार्ल्स बेबेज, आपको पता होगा इसको, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। चार्ल्स बेबेज वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंसीव एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और कंप्यूटर इन 1833। देखिए दो फर्क हैं, इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है, ये हम लोग ही ऑपरेट करेंगे, हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें खुद से सॉर्ट करनी थी, तो ये बनाया था ब्लेज पास्कल ने। चार्ल्स बेबेज ने ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसको कंप्यूटर भी बोला जा सकता है, 1833 में बनाया था। तो ये 1642 में बना था और ये 1833 में बना था। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली चलते हैं, उसमें हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने की नीड नहीं होती। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वॉज डेवलप्ड बाय लेडी अडा ऑगस्ता, अ स्टूडेंट ऑफ बैबेज। सबसे पहला प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, आप ये समझिए कि अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हो तो वहाँ के कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। तो सेम वही कि अगर कंप्यूटर काम करेगा तो किन इंस्ट्रक्शंस, यानी वो कौन से रूल्स फॉलो करेगा, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम। पूरे इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट को आपने प्रोग्राम बना दिया। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो डेवलप किया था अडा अगस्ता ने, जो बैबेज की ही एक स्टूडेंट थी। नेक्स्ट, हॉवर्ड एकिन डेवलप्ड फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 इन 1937।
इन्होंने, जब मैं आपको बता रही हूँ, ब्लेज पास्कल ने पेस्कलिन बनाया था, राइट, वो मैकेनिकल कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया हॉवर्ड एकिन ने, और इनका जो बनाया था वो था मार्क 1, और इन्होंने बनाया था 1937 में। इसी के साथ जेपी ईकार्ट एंड जॉन मोस्ले इन्वेंटेड वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC 1 इन 1946। इन सब की फुल फॉर्म्स हैं जो आपको इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या नाम था? ENIAC, ENIAC था, 1946। यानी आप समझो कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे जस्ट 1 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व और वैक्यूम ट्यूब वॉज यूज एज अ स्विच इन द कंप्यूटर। उस कंप्यूटर में जो ये सबसे पहले जो जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें क्या यूज़ किया था एज अ स्विच? या तो वैक्यूम ट्यूब आप यूज़ करते थे या इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स आप यूज़ करते थे। तो ये हो गया आपका। इसके साथ December 2 इज़ ऑब्जर्व्ड एज कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो जस्ट एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले, इनको एक बार रीड आउट करना स्टार्ट कर देना। इनको एज सच रटने की नीड नहीं है। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड न्यू कंप्यूटर पॉलिसी इन 1984। इंडिया ने न्यू कंप्यूटर पॉलिसी 1984 में अनाउंस की है। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया वॉज सिद्धार्थ। हमारा इंडिया में जो इंडिजीनियस कंप्यूटर जो हमने खुद बनाया वो था सिद्धार्थ, विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड इन द मेन पोस्ट ऑफिस। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट कहाँ पे हुआ कंप्यूटर का? मेन पोस्ट ऑफिस के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर लगाया गया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं तो हर कुछ टाइम के बाद अपग्रेड्स आते हैं उसके अंदर, है ना, उसका जो वर्जन है हम उसको अपग्रेड करते हैं। एंड्रॉयड वर्जन जो है वो अपडेट होता रहता है। इसी तरीके से कंप्यूटर्स भी जो हैं हमने काफ़ी जनरेशन यूज़ किए हैं। जैसे अभी जो हम यूज़ करते हैं वो 4th या 5th जनरेशन यूज़ करते हैं, तो उससे पहले आप देख रहे हो कि कितनी सारी जनरेशन आई होंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो पीरियड था वो 1940s के अराउंड था, 40 से 52। मैं आपको बताऊं लर्न करने का मैंने क्या तरीका अपना रखा है कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में 12 12 ईयर्स का गैप था। आप देख सकते हो 1940 से 52 12 ईयर्स का गैप है। सेकंड जनरेशन 52 से 64 फिर से 12 ईयर्स का गैप है। 64 से 71 यहाँ पे हो गया आपका आई थिंक 7 ईयर्स का गैप। और इसके बाद 4th जनरेशन वाले तो आज तक चलते हैं, 5th जनरेशन वाले भी आज तक चलते हैं, तो 1971 विल बी द लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हो सबसे पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1940 से 52 के बीच में बने हैं और चले हैं। इनके अंदर मेन कंपोनेंट यानी जो कंप्यूटर बना है वो किस चीज़ का बना था? तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था ना, ENIAC 1, उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व या वैक्यूम ट्यूब यूज़ की थी। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व और वैक्यूम ट्यूब आपने यूज़ की है, इसका एग्जाम्पल एक तो आपने ENIAC 1 कर लिया। इसके अलावा यूनिवेक, ये बनाया था, प्रोटोटाइप पूरा रेडी हुआ था लेकिन जो प्रैक्टिकल बना था उसका नाम यूनिवेक आगे कर दिया था, तो यूनिवेक हो गया। एडसेक और एडवेक, ये आपके कंप्यूटर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, दिमाग में बस रखिएगा क्योंकि प्रॉपरली इन्हीं नेम से आगे इनके कई सारे वर्जन हैं। फर्स्ट जनरेशन में तो आप समझो कि ये जो यूनिवेक है, एडसेक है, ये सारे इस तरीके के नेम्स आएंगे। सेकेंड जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1952 से 64 इनका टाइम पीरियड था। ट्रांजिस्टर इसके अंदर मेनली यूज़ किया था, तो साइज़ जो है कंप्यूटर का पहले के मुकाबले थोड़ा रिड्यूस हो गया क्योंकि ये एक बहुत बड़े, बहुत पूरा रूम घेरते थे आप ये समझो। और ट्रांजिस्टर आपने यूज़ किया सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में, तो इसमें क्या है, IBM 700, 1401 1620, TDC 1604 3600, Atlas ICL 1901। तो ये सारे वर्जन्स थे जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के थे, बट इनको लर्न करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स के नेम है वो भी सेम ऐसे ही है, बस नंबर्स डिफरेंट हैं। तो थर्ड जनरेशन जो था वो 1964 से 71 के बीच में बने हैं और इसमें आपने यूज़ किया है इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट मीन्स छोटी सी चिप यानी साइज़ ग्रेटली रिड्यूस हो गया जो कंप्यूटर का साइज़ था। इसी के साथ इसमें जो आपके कंप्यूटर्स आएंगे IBM 360, तो आप देख रहे हो इसमें IBM के 700 1400 1620 ये वर्जन्स थे, और अब जो आ गए 360 370, तो साइज़ छोटा, आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो, नंबर छोटे होते जा रहे हैं। ऐसे ही CDC की बात करूँ तो यहाँ 1600 4 3600, यहाँ पे आ गया 1700, NCR इसमें ऐड हुआ है 395 और ICI 2903। तो ये वर्जन्स हैं जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। इसमें लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए थे, और यानी एक ही चिप में कई सारे सर्किट्स आपने यूज़ किए हैं, तो साइज़ और छोटा हो चुका है। एप्पल हो गया, DCM हो गया, ये इसके कंप्यूटर्स हैं। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या है, आप ऑप्टिकल फाइबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हो। जैसे हम यूज़ करते हैं सीरी, हम यूज़ करते हैं एप्पल के फ़ोन में, या फिर हम एलेक्सा यूज़ करते हैं अमेजन के लिए, तो ये सब क्या हो गया, AI हो गई जो हम यूज़ करते हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ईयर्स पूछ सकते हैं, और मेन जो है वो मेन कॉम्पोनेंट्स पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम्स में आए हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ माइक्रो कंप्यूटर। ये वो हैं जिन पे ज़्यादातर हम काम करते हैं, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है PC, जिसमें CPU होगा, डेस्कटॉप होगा, वो ऑल्सो नोन एज अ PC। PC की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। लार्जली यूज फॉर डोमेस्टिक एंड ऑफिशियल पर्पसेस, घर के लिए, यानी जो हम नॉर्मली लगा लेते हैं हल्के बहुत काम के लिए, या स्टूडेंट्स के लिए जो अपने लिए वो यूज़ करते हैं, या ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हम माइक्रो कंप्यूटर्स ही यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स ये हैं, और ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर ही आएगा, जो PC होता है, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है। इसके अलावा सब अगला आ गया मिनी कंप्यूटर। माइक्रो से हल्के से बड़े हो गए मिनी कंप्यूटर, कंपेरेटिवली लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर, बट दीज आर 5 to 50 टाइम्स मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। यानी इनकी जो कैलकुलेशन है, जो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड है, जो इनका काम करने की एफिशिएंसी है, वो भी स्ट्रांग हो जाती है 5 से 50 गुना। तो ये हो गए मिनी कंप्यूटर। आप देख सकते हो ऐसा इस टाइप के कुछ मिनी कंप्यूटर होते हैं, तो लैपटॉप का वर्जन है, आप ये समझ लो। लर्न करने का तरीका ये हो गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम क्या है कि एक फ्रेम होगा और उस फ्रेम को शेयर करके कई सारे यूज़ कर सकते हैं लोग एक साथ। तो मोर देन 100 पीपल कैन वर्क एट अ टाइम ऑन डिफरेंट टर्मिनल्स बाय टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग टेक्निक्स। एक टाइम पे 100 से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं टाइम शेयर करके। जैसे आजकल हम यूज़ करते हैं ना स्क्रीन शेयर वगैरह करते हैं, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। मेन फ्रेम यानी एक ही फ्रेम है, एक ही मेन फ्रेम है, और इस पर 100 से ज़्यादा लोग शेयर कर सकते हैं। जो लोग हैं वो 100 से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हो गए सुपर कंप्यूटर। आपने ये नाम तो कई बार पढ़ा होगा, परम काफ़ी फेमस कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, इसी के साथ फास्टेस्ट कंप्यूटर। पूरे दुनिया में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर माने जाते हैं। एबल टू प्रोसेस मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉब्स विद अ वेरी हाई स्पीड। ये माना जाता है कि कुछ सेकंड्स भी कंप्लीट नहीं लगते, आप कितना ही कॉम्प्लेक्स जॉब दे दो, लेकिन उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं ये। अब हम बात करते हैं जिन पे काम चल रहा है, क्वांटम कंप्यूटर्स। अभी तक जो हमने पढ़ाई की है ना प्रॉपरली, अगर आप प्रॉपर डीप में पढ़ोगे बुक्स में, क्योंकि ये सारा कुछ प्रॉपरली सिलेबस से चेक हुआ हुआ है, जो भी हमारा SSC के थ्रू सिलेबस आया है उसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे वीडियोस के अंदर, तो क्वालिफाइंग है नेचर में, तो बिल्कुल ज़्यादा डीप में प्रोग्रामिंग या लैंग्वेजेस नहीं पढ़नी है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में प्रॉपरली नॉलेज है, क्योंकि हम बना रहे हैं, या आप ये कह दो कि बनते हैं और लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वांटम कंप्यूटर, ये फाइनल स्टेज पे हैं अपनी प्रोसेसिंग के। तो डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज इन फाइनल स्टेज। और एक बात, क्वांटम अभी तक हम क्या यूज़ करते हैं, बिट्स यूज़ करते हैं, बाइनरी डिजिट्स यूज़ करते हैं, राइट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्यूबिट यूज़ करेंगे, क्वांटम बिट्स यूज़ करेंगे, अगर ये जब बनेगा तो इसके अंदर इसका जो है वो फाइनल स्टेज में है, अभी हमने प्रॉपरली इसको बनाना शुरू नहीं किया। इसी के साथ आपने अभी तक कितने कंप्यूटर पढ़े, कितने टाइप्स के, सबसे पहला था मिनी, फिर था नहीं सॉरी सबसे पहला था माइक्रो, देन केम मिनी, उसके बाद आ गया आपका मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एंड देन क्वांटम फ्रेम या क्वांटम कंप्यूटर। इसी के अलावा तो ये 5 टाइप के अलग अलग साइज़ में जो कंप्यूटर्स आते हैं ये वो हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, तो कंप्यूटर्स जो हैं 3 टाइप के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। देखो डिजिटल और एनालॉग लर्न करना बहुत आसान है। डिजिटल वो जिसमें आपको साफ साफ डिजिट्स दिखेंगी, एनालॉग वो जिसमें आपका फंक्शन दिखेगा, और हाइब्रिड जिसमें वो दोनों मिक्स। मैं कैसे लर्न करती हूँ, जैसे वॉच हम यूज़ करते हैं, पहनते हैं, राइट। एक तो डिजिटल वॉच होती है स्मार्ट वॉच,
एक एनालॉग जिसमें प्रॉपर क्लॉक वो होगा, डायल होगा, और हाइब्रिड जिसके अंदर आप हाइब्रिड, तो आप क्लॉक ऐसे स्मार्ट वॉचेज में देख सकते हो क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन है, उसमें डिजिटल चाहिए या एनालॉग चाहिए। तो ये आपकी तीन टाइप के कंप्यूटर्स हो गए, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। जैसे सबसे पहला मैं आपको अभी बता रही थी, सुपर कंप्यूटर्स आर क्वाइट फेमस इन लाइक एवरीथिंग इन द एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहला आ जाओ, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज क्रे K1। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे K1, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। मैंने अभी आपको बताया भी था डिजिटल कंप्यूटर इनियक था, जिसके अंदर ये मैकेनिकल था, ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। आई थिंक 1643 में जो बनाया था ये वही है। मोस्ट सुपर कंप्यूटर्स यूज लिनक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको बताती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं पता। आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो एक इंटरफेस आपको दिखता है, राइट, एक स्क्रीन दिखती है, वो प्रॉपर एक सिस्टम है जिससे आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। वो ऐसा सिस्टम है कि आपको समझ में आएगा उसमें प्रॉपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन है ना, उसको वो लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम डाल दिया, एक ऐसा सिस्टम कि वो बीच में है, हमें कुछ कहना है हम उस सिस्टम का यूज़ करेंगे, कंप्यूटर को समझना है वो उस सिस्टम का यूज़ करेगा, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कि उसको ऑपरेट करने के लिए एक सिस्टम हमने डाल दिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं मैक्सिमम कंप्यूटर्स, और ये बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको मैं बता दूँ, मैक्सिमम कंप्यूटर्स जो यूज़ करते हैं वो लिनक्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल, मैंने आपको बताया था कि जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था वो था इनियक, लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली उसको बनाया तो उसका नेम हो गया यूनिवेक। फोरट्रान, अच्छा फोरट्रान इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोरट्रान एक लैंग्वेज है जिसका नेम है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ये सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप हुई है। प्रोलॉग इज द लैंग्वेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको पता है फिफ्थ जनरेशन सबसे लेटेस्ट जनरेशन है, तो कई बार पूछ लेते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो दे यूज प्रोलॉग। परम इज अ सुपर कंप्यूटर, मैंने अभी बोला भी था आपने परम का नाम सुना होगा। परम इंडिया में जो है सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम है, इंडिया ने बनाया हुआ है, और बहुत 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 कॉस्टली होता है ये। अच्छा अभी हो गया है कि कंप्यूटर कितने टाइप्स का है और कैसे चलता है, राइट। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बना किस चीज़ से होता है। अ कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज इंटू 3 बेसिक यूनिट्स। एक कंप्यूटर के अंदर अगर मैं उसको यूनिट्स में डिवाइड कर दूँ तो टोटल 3 यूनिट्स में कंप्यूटर डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या पढ़ चुके हो आई थिंक कई बार पढ़ चुके हो, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिसके अंदर सेंट्रल का मतलब बिल्कुल बीच में, राइट, प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है जो प्रोसेस करता है, जो काम करता है। तो आप ये समझो कि कंप्यूटर को एक तो एक चीज़ तो हो गई जो मेन काम करेगा, दैट इज़ द CPU। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट, अगर काम करेगा, आपको पता है ना कि आपको फाइल्स स्टोर करनी होती हैं, तो अगर, या फिर मैं दूसरी चीज़ कहूँ कि अगर मैं कहीं पे काम कर रही हूँ तो वहाँ के कुछ रूल्स होंगे ना, मुझे वो लर्न रखने पड़ेंगे अपने दिमाग में कि ठीक है अगर ऐसी फाइल आती है तो मुझे ये करना है। तो वो जो रूल्स हैं कहाँ स्टोर होंगे, मेमोरी यूनिट में। और दूसरा, मेरे पास फाइल्स आएंगी और मैं सेंड करूँगी, तो इनपुट और आउटपुट। तो 3 यूनिट्स होती हैं, CPU, मेमोरी यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। ये हो गई टोटल 3 यूनिट्स अगर मैं वर्किंग के बेस पर डिवाइड करूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ देखने के बेसिस पर डिवाइड करूं तो 2 तरीके होते हैं। एक वो कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको आप हाथ लगा सको, ये कंप्यूटर है पूरा आप देख सकते हो, तो जिस चीज़ को आप हाथ लगा सकते हो, लाइक कीबोर्ड है, स्पीकर है, आपका डेस्कटॉप है, CPU है, मॉडम है या राउटर है, आप इसको हाथ लगा सकते हो ना, फिजिकली आपके सामने रखे हुए हैं। तो जिसको हाथ लगा सकते हो दैट इज़ हार्डवेयर, एंड जिसको हाथ नहीं लगा सकते, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो काम चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसके अंदर, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। प्रोग्राम्स जो हैं वो, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते, वो हो गए आपके सॉफ्टवेयर। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे 3 हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो कंप्यूटर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यू कैन टच एंड सॉफ्टवेयर यू कांट टच। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर काम करता है।
चलिए अब एक एक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आया सीपीयू, दैट मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी कैलकुलेशंस होगी वो यही करेगा, जितनी प्रोसेसेस होंगी, जितना भी डेटा आप उसको दोगे, डेटा का मतलब जितना भी आप उसको काम दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उन सब की जो प्रोसेसिंग है कि वो कैसे काम करेंगी या उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है या उस इन्फॉर्मेशन से आप नई इन्फॉर्मेशन कैसे बना सकते हो, एक्सेस जिसको बोलते हैं, ये सारा काम कौन करेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू करेगा। आप देख सकते हो दिस इज़ द सीपीयू, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर मेनली तीन चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूं। देखो इसको करना क्या है, एक तो इसको ना चीज़ों को रिसीव करना है। अगर मैं कुछ डेटा दे रही हूँ, ये रिसीव करेगा उसको, फिर क्या करेगा, ये देखेगा कि ये इस पे जो मुझे काम करना है, मेरे पास कोई फाइल आई, ठीक है, यहाँ पे ये कोई फाइल है, तो इस फाइल पे मुझे काम करना है, तो पहले तो मैं ये देखूंगी कि कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, मुझे करना क्या है। तो एक तो मैं क्या देखूंगी, सबसे पहले फाइल आई अपने पास उठा के रखूंगी, उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, उसके बाद मैं उस पर कैसे कैसे काम करना है, कौन से इंस्ट्रक्शंस उस पर, कौन से रूल्स उस पर लगेंगे, मैं वो देखूंगी, फिर मैं वो रूल्स लगाऊंगी और फिर मैं वो फाइल बाहर दे दूंगी। यही होगा, सेम यही करता है कंप्यूटर या सीपीयू। सबसे पहले तो देखो आप ये देख सकते हो कि अगर किसी ऑफिस में आप जा भी रहे हो तो फाइल रिसीव करने का और देने का काम कोई भी कर सकता है। मेन काम क्या है, वो जो रूल्स उस पर अप्लाई होंगे आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो या नहीं। तो सबसे पहला पार्ट है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लॉजिक्स लगाने हैं। लॉजिक्स का मतलब क्या है, अरिथमेटिक का मतलब क्या है, कैलकुलेशन, मैथ्स। तो जो रूल्स लगेंगे वो अप्लाई करने वाली यूनिट बिल्कुल अलग है जो कैलकुलेशन सारी करेगी। तो ALU इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ये देखती है उसमें कौन से लॉजिक लगने हैं, ठीक है। और लास्ट है रजिस्टर्स, जिसमें मैंने बोला इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे ही मेरे पास फाइल आएगी तो मैं ये देखूंगी इस पे कौन से इंस्ट्रक्शंस लगेंगे। कहाँ से देखूंगी, मेरे पास रजिस्टर बने हुए हैं, मुझे बस ये देखना है ऊपर हेडिंग पढ़ के कि अच्छा ये रूल लगेंगे इस पे, तो मैं वो रजिस्टर निकाल लूंगी। तो रजिस्टर क्या है, स्टोर करते हैं। तीनों के बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द सीपीयू। आप सीपीयू को जो भी इंफॉर्मेशन दोगे उसमें सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस लगाने का काम किसका है, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल यूनिट। इट फेचेस द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन ALU एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। देखो ये कंट्रोल कर रहा है, क्या कंट्रोल कर रहा है, ये देख रहा है कि कौन से इंस्ट्रक्शंस लगेंगे। ये दिमाग लगाने वाली काम है ना कि मेरे पास फाइल आ गए, मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना कि कौन से रजिस्टर को उठाऊं। ये कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, इंस्ट्रक्शंस देखेगी मेमोरी से। मेमोरी क्या है, हमारे रजिस्टर्स, वहां से इंस्ट्रक्शंस देखेगी और उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे सारा का सारा कंट्रोल करेगी कि कैसे जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर से दूसरे पार्ट्स तक जाएगी। लास्ट है रजिस्टर्स, दीज आर स्टोरेज लोकेशंस दैट होल्ड इंस्ट्रक्शंस। देखो मैंने यही बोला था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक स्टोरेज के यूनिट है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी हुई भी रहती है व्हाइल सीपीयू इज यूजिंग देम। सीपीयू उनको क्या करता है, यूज करता है। तो ये तीनों हो गए आपके सीपीयू के पार्ट्स। अच्छा अब जो हम चीज़ें स्टोर करते हैं, आप सभी लोग नेट यूज़ करते हो राइट, आप रिचार्ज करा, जब पहले हम रिचार्ज कराते थे 1 GB या 1 जिसका भी हम रिचार्ज करते थे तो हमारे पास डाटा आता है, तो स्टोरेज यूनिट्स होती हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, तो ये उसका चार्ट है एंड इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो हम यूज़ करते हैं ना, हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। वी यूज़ ईदर द डेसिमल सिस्टम, या फिर हम यूज़ करते हैं बाइनरी सिस्टम या बिट सिस्टम बोलते हैं मेरे ख्याल में इसको। बिट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि 1 GB में 1024 KB आते थे, 1024 MB आते थे। जब हम रिचार्ज करते थे, अगर मान लो हमने 1 GB का रिचार्ज किया है तो इसमें ये डिजिट हम यूज़ करते हैं, लेकिन अब जो हम यूज़ करते हैं दैट वी यूज़ नाउ ये डेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होगा कि अगर आप 1 GB का रिचार्ज करते हो तो 1000 MB आता है,
तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी, दोनों अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो ये पूरा डेसिमल सिस्टम में है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ 0 और 1, ये 2 डिजिट्स होती हैं। अगर आप कोई इनपुट नहीं दे रहे दैट मीन्स 0, आप इनपुट दे रहे हो तो 1। इनपुट का मतलब अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो कंप्यूटर विल एक्सेप्ट इट एज अ 0। अगर आप कुछ इनपुट दे रहे हो, कुछ डाटा दे रहे हो, तो कंप्यूटर विल एक्सेप्ट इट एज 1। तो 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बिट। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो 0 और 1 को आप क्या बोलोगे? बिट यानी बाइनरी डिजिट। अब आप एक चीज, ये मैं इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होती थी, तो मैं आपको लर्न कराने का तरीका बता रही हूँ, लर्न करने का तरीका, अगर आप लोगों को भी कंफ्यूजन होती है तो। देखिए, इनमें कंफ्यूजन दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखो, बिट का मतलब होता है बिल्कुल चिन्हक सा, अगर आप कोई टुकड़ा देख रहे हो ना तो उसको हम बिट बोलते हैं। तो अगर आप कुछ चीज खा रहे हो और बहुत बिट बिट करके खा रहे हो तो आप कुतर रहे हो चूहे की तरह, राइट? तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में निबल, निबलिंग। अगर चूहा कुतरता है, कुतरने की इंग्लिश होती है निबल। तो अगर आपने 4 बिट्स एक साथ ले लिया, यानी आप कुतर रहे हो, तो 4 बिट्स को बोलते हैं 1 निबल। अगर आपने 4 की बजाय 8 ले लिया, यानी अब आपने प्रॉपर एक जिसको बोलते हैं टुकड़ा बना लिया, टुकड़ा बना के खा रहे हो, तो बाइट। तो 8 बिट्स को बोलते हैं बाइट, और बाइट से आते लर्न करना आसान है। बाइट वही है, किलो बाइट के बाद वाला जो बाइट होता है, KB। तो अब हम बात करते हैं बाइट की। तो 1000 बाइट 1000 बिट्स के अंदर हो गया 1 KB, 1000 KB के अंदर MB। जो हमारा डेटा हमारे फ़ोन में जब क्रेडिट होता है ना, जब हम रिचार्ज करते हैं, तो वो इसी में ही होता है MB में। अगर आप MB वाला रिचार्ज करते हो, 1.5 GB है जैसे हमारा आता है, या 1 GB आता है, तो वो इस MB से ही बनता है GB। तो मेगाबाइट के बाद 1000, अगर मेगाबाइट है तो 1 GB बन जाता है। 1000 GB को मिलाकर 1 TB बन जाता है। तो आप कैसे लर्न करोगे? सबसे पहले आया बिट, 4 बिट का मिला के 1 निबल, 8 बिट का मिलाकर 1 बाइट, 1000 बिट्स को मिलाकर 1 KB। ठीक है, अब KB से तो लर्न करना आसान है, राइट? 1000 KB हो गया 1 MB, 1000 MB हो गया 1 GB, 1000 GB हो गया 1 TB, टेराबाइट, 1000 TB हो गया पेटाबाइट, 1000 पेटाबाइट हो गया 1 एग्जाबाइट, ये आई थिंक मिस हो गया बीच में, और 1000 ये एग्जाबाइट मिला के बन गया जेटाबाइट, 1000 जेटाबाइट मिला के बन गया योटाबाइट, 1000 योटाबाइट मिलाकर बन गया ब्रोंटोबाइट, और 1000 ब्रोंटोबाइट मिलाकर बन गया जियोबाइट, जिसको जियोबाइट ही बोलते हैं। तो सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है जियोबाइट, जियोबाइट के बाद है ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटो के बाद है योटा, देन जेटा। तो इस तरीके से आप लर्न करोगे। नीचे की एटलीस्ट 3 से 4 लर्न कर लेना, क्योंकि आपको आई थिंक ये पेटाबाइट तक तो लर्न होगा ही होगा। GB के बाद क्या आ गया? टेराबाइट। टेराबाइट के बाद क्या आ गया? पेंटाबाइट। पेंटाबाइट के बाद एक्जा, देन जेटा, योटा, ब्रोंटो और जियोप। तो ये हो गए आपकी जो स्टोरेज यूनिट्स होती हैं वो। अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि जो कंप्यूटर है उसके अंदर CPU है, कंट्रोल यूनिट है और मेमोरी यूनिट है, राइट? तो CPU आप पढ़ चुके हो, मेमोरी यूनिट की बात कर, कंट्रोल यूनिट आप पढ़ चुके हो, मेमोरी यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो मेमोरी यूनिट में क्या है? इट स्टोर्स ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड डेटा फॉर द CPU बिफोर और आफ्टर द CPU प्रोसेसेस द डाटा। ये सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास प्रोसेस करने के लिए स्टोर करके रखता है कि CPU को चाहिए होगा, और नाम में ही है ना, मेमोरी, अपने पास स्टोर करके रखता है। इट कैन रिसीव डाटा, ये डाटा रिसीव कर सकता है तभी तो स्टोर करके रखेगा। होल्ड इट, उसको अपने पास संभाल के रख सकता है। डिलीवर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट, मतलब जैसे मैंने बताया था कि अगर मेरे पास फाइल आई तो मैं लूंगी और दूंगी, तो वो लेने वाला और देने वाला सिस्टम मेमोरी यूनिट का है। आगे, मेमोरी 2 टाइप की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेमोरी है वो दो, देखो अगर मेरे पास फाइल आई, अब 2 चीज़ें, या तो मैं उस पर काम करना शुरू करूँ और दे दूँ, निपटा दिया, या फिर मैं उसको परमानेंटली अपने पास रख लूँ, कोई फाइल है ही मेरे लिए। तो 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो हम सबसे पहले इन मेमोरीज के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर काम इसी मेमोरी पे करता है। ये है क्या? इट इज़ रेफर्ड टू एज वर्किंग मेमोरी और द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर्स। इसको बोला जाता है कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है ना, जैसे हम भी काम करते हैं तो एक हमारी नेचर होती है ना, जो अप फ्रंट हम जैसे हैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो मेन हमारा प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी जो है वो बिल्कुल मेन मेमोरी है। इट एस्टैब्लिशेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। इससे क्या होगा
कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट हमारा एस्टैब्लिशमेंट होगा। हम जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो कहाँ स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर ओपन किया, मैंने कोई फोल्डर ओपन किया, तो ये सारी चीज़ें वो कहाँ अपने पास देख के रखेगा कि इन्होंने क्या ओपन किया है, वो प्राइमरी मेमोरी के साथ ही काम करवाएगा। इट कैपेबल ऑफ रिसीविंग और सेंडिंग डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड। ये बहुत जल्दी काम करता है। आप देखो ना, आपने क्लिक किया और एकदम से खुल जाता है वो फोल्डर, तो बहुत हाई स्पीड पे काम करता है। इट इज़ टेम्परेरी इन नेचर। नेचर में टेम्परेरी है, मतलब आपने जैसे फोल्डर पे आपने क्रॉस पे क्लिक किया, ये फोल्डर बंद हो जाएगा, इसको याद नहीं रहेगा आपने क्या खोला। आप सब जगह से इसको अगर आपने क्रॉस का बटन क्लोज कर दिया तो ये हट जाएगा। तो टेम्परेरी है, जितने टाइम तक आप काम करोगे उतने टाइम तक खुला हुआ रहेगा। आपने बंद कर दिया, कंप्यूटर ऑफ कर दिया, वो काम उसमें नहीं रहेगा। डेटा स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइमरी मेमोरी में क्या है कि जब तक आप काम कर रहे हो तभी तक इन्वॉल्व हो। काम बंद कर दिया, कंप्यूटर बंद कर दिया, वो अपने पास याद नहीं रखेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल एक साइंस का वर्ड है जिसका मतलब है जो चीज़ उड़ जाती हैं, तो वोलेटाइल मेमोरी है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी फेमस ही इसीलिए है क्योंकि जितने टाइम तक आप काम करोगे उतने टाइम तक उसमें वो याद रहेगा, वो अपने पास स्टोर करके रखेगा। एज सून एज आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया वो सब कुछ भुला देगा, वो सब कुछ भूल जाएगा। इसका एग्जांपल है रैम। ये प्राइमरी मेमोरी है, आपने देखा भी होगा ना, फ़ोन का हम खरीदते हैं तो हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कितने रैम की हमको फ़ोन लेना है। तो वो रैम क्या है कि कंप्यूटर कितनी जल्दी काम करेगा, क्योंकि क्लिक करते वो खुल रहा है या नहीं खुल रहा। फ़ोन पे हम एक ऐप से दूसरे ऐप पे गए वो एकदम गया या नहीं गया, तो ये होती है रैम, प्राइमरी मेमोरी, जिसकी वजह से वो काम करेगा। तो रैम जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद हम रैम की अगर मैं बात करूं, इट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर कैन चेंज द कंटेंट्स ऑफ रैम एट एनी टाइम। कंप्यूटर या हम कभी भी रैम की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं क्योंकि रैंडम है ना, एकदम बस प्राइमरी मेमोरी है ना। रैम इज़ वोलेटाइल, ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि इसमें कंटेंट जैसे फ़ोन स्विच ऑफ करोगे उड़ जाएगा। टू मेन टाइप्स ऑफ रैम आर स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। दो टाइप की रैम होती है जिसको एस रैम और डी रैम बोलते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। इसके बाद हम बात करते हैं रोम की। ये भी एक मेमोरी ही है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्या फ़र्क है दोनों में, इसको कंप्यूटर चेंज कर सकता है, इसको कंप्यूटर चेंज नहीं कर सकता। इट इज़ रीड ओनली मेमोरी, आप सिर्फ रीड कर सकते हो जब कंप्यूटर बनाया होगा। तो जिसने बनाया है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने जितनी डाल दी उतनी डाल दी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द रैम एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर। इट इज़ नॉन वोलेटाइल, ये उड़ता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। मतलब आपको अगर ये समझना है ना, आप अपने फ़ोन का एग्जांपल लेके समझो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकती ना फ़ोन की, तो वो तो हो गया रोम। लेकिन रैम क्या है, कितनी जल्दी प्रोसेसिंग करेगा उसको आप अफेक्ट कर सकते हो। कम से कम ऐप्स डाल रहे हो तो बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा। आपने ऐप्स भर दिए तो अपने आप रैम जो है वो थोड़ी हैंग होने लग जाएगा, फ़ोन हैंग होने लग जाएगा। इट इज़ नॉन वोलेटाइल, ये चेंज नहीं हो सकता, ये ख़त्म भी नहीं होगा। एंड रिटेन इट्स इन्फॉर्मेशन इवन आफ्टर द पावर इज स्विच्ड ऑफ, और सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी भले ही पावर ऑफ हो जाए। द टाइप्स ऑफ रोम इंक्लूड, रोम कई सारे टाइप की होती है, जैसे पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल, कई सारे टाइप की होती हैं, ये सारी लास्ट में इनकी फुल फॉर्म्स के साथ आपको मिल जाएगा। डबल ई प्रोम, तो ये रोम के अलग अलग टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम बात, अभी आपने पढ़ा था ना, दो टाइप की मेमोरी हो गई, प्राइमरी जिस पे मेन वो काम करेगा, वो भी दो टाइप की हो गई, जिस पे आप काम करोगे वो अपने पास वो काम करते ही ख़त्म, और जो अपने पास उठा के रखेगा। दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, ये वो मेमोरी है जो हमारे हाथ में होती है, एडिशनल मेमोरी। जैसे हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, यूएसबी स्टोरेज यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, ये जैसे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती हैं उनके कंपेटिवली बहुत स्लोली वर्क करती हैं, लेकिन ये बैकअप के लिए हम यूज़ करते हैं। इन केस हमारे कंप्यूटर का सारा डेटा एक दिन उड़ गया तो हमारे पास वो डेटा होना चाहिए। हम पेन ड्राइव में यही तो करते हैं, और क्या करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक अगर हमें डाटा स्टोर करना हो, इसकी स्पीड बहुत कम होती है, परमानेंट होता है, लेकिन ये इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। प्रोवाइड्स बैकअप स्टोरेज, बैकअप हमें मिल जाता है कि अगर डाटा ख़त्म हो गया, से हम फ़ोन का डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, अब तो क्लोनेट से या फिर
फोन टू फोन ट्रांसफर हो जाता है। पहले सारा फोन का डाटा लैपटॉप में, कंप्यूटर में, पेन ड्राइव के थ्रू करना पड़ता था और फिर आप नए फोन में डालते थे। तो स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं, प्राइमरी मेमोरी जो थी वो फास्ट है, एक्सपेंसिव है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो है और चीप है। इसका एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क, अभी आनी बंद हो चुकी हैं लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कितना स्टोरेज था। फ्लॉपी डिस्क के अंदर सबसे कम स्टोरेज हुआ करता था 1.44 MB, ठीक है। और जब ये आई थी तब इसी को इतना बड़ा स्टोरेज मानते थे, काफ़ी बड़ा, क्योंकि सब कुछ KB में हम यूज़ करते थे। तो फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB, CD जो होती है 700 MB की होती है अप्रॉक्सीमेटली, DVD 4.7 GB, तो इसमें काफ़ी बड़ा स्टोरेज हो गया। मेमोरी कार्ड्स हम यूज़ करते हैं, USB स्टिक्स यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक टेप्स हम यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक टेप्स वो गई जो पहले शादियों की वो कैसेट्स और बनती थी, उनकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा SASD, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका नाम है सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, BRD। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू रे डिस्क, ये दो, सिंगल लेयर और डबल लेयर, अगर सिर्फ एक लेयर पे स्टोरेज है तो 25 GB का इसमें स्टोरेज होता है और दोनों लेयर, आगे और पीछे दोनों लेयर हैं तो 50 GB का इसमें स्टोरेज का रहता है। क्या है? BRD, ब्लू रे डिस्क। इसी के अलावा HVD होलोग्राफिक डिस्क, ये 3.9 TB होता है यूज़र्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए इसमें 6 TB का एक्सेस होता है। तो ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरीज की डिवाइसेज हैं जो नीचे यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं और इनका स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये भी बता दूँ। चलिए आगे कुछ मेमोरीज हैं जो बहुत बहुत ही, मतलब आप समझो कि बिल्कुल फटाफट से क्विक रिव्यू हम देते हैं। सबसे पहले फ्लैश मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी उतनी मेमोरी रहेगी, नॉन वोलेटाइल, उड़ नहीं सकती ये बिल्कुल भी, जैसे पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि डिवाइसेस में लगेंगी तभी आप काम कर पाओगे और इनमें जो चीज़ एक बार स्टोर कर दी जब तक आप खुद नहीं हटाओगे नहीं हटेगी, तो इनको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी। हम वर्चुअल मेमोरी वो है जो असल में मेमोरी होती नहीं है पर हम बनाने की कोशिश करते हैं, हार्ड डिस्क से, कंप्यूटर में CPU में हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, वहाँ से हमने कुछ चीज़ उसमें स्टोर कर दी, कुछ टाइम के लिए हमने उधार ले लिया, तो वो वर्चुअल मेमोरी है। टू लीड एन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए स्टोरेज बोरोड फ्रॉम हार्ड डिस्क इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी और एक्सटेंडेड रैम। तो किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो हम हार्ड डिस्क से स्टोरेज बोरो करेंगे उसको वर्चुअल मेमोरी या फिर एक्सटेंडेड रैम बोलते हैं। कैश मेमोरी, इस पे सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आपने देखा भी होगा हम कैश क्लियर करते रहते हैं, कैश कुकीज़ क्लियर करते रहते हैं फ़ोन को सही रखने के लिए। जब आप किसी भी वेबसाइट को चलाते हो ना तो कुछ चीज़ें अपने आप डाउनलोड हो जाती हैं बिना बताए, विद इन सेकेंड्स भी नहीं लगते, वो कैश मेमोरी होती है। इट इज़ वेरी, इट ऑपरेट्स एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड की मेमोरी है, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी होती है और ये मेन मेमोरी और CPU के बीच में काम करती है। मेन मेमोरी क्या था? जो डाटा को स्टोर करेगी। CPU क्या है? जो उस डाटा को कंट्रोल करेगा, तो उसमें स्टोरेज जो है उनके बीच में काम करती है, इट इज़ कैश मेमोरी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, फैक्ट्स रिगार्डिंग सम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। कुछ फैक्ट्स हैं जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस थी, जिनको ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी डिवाइसेस वो है, इनको बोलते हैं एडिशनल डिवाइसेस जो हमारे हाथ में होती हैं। तो सबसे पहले आ जाइए मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स क्या होती हैं? ये लॉन्ग प्लास्टिक टेप्स होती हैं जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है, जैसे कैसेट्स में जो है, टेप रिकॉर्डर में जो हम कैसेट्स इस्तेमाल करते थे उनके अंदर हम मैग्नेटिक टेप्स इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो अब तो बहुत कम यूज़ करते हैं, CD प्लेयर, DVD प्लेयर, वो क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल मीडियम है। ये MCQs में आ सकते हैं। CD को कैसे पढ़ा जाता है? लेज़र बीम उस पर छोड़ते हैं, तो लेज़र यानी लाइट का यूज़ हो रहा है तो ऑप्टिकल इसलिए डिवाइस है। दूसरी चीज़ ये कि उस पर लाइट छोड़ी जाती है, वो लाइट जो है अंदर का मटेरियल रीड आउट करती है, तो ये हो गया। DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसको, ये भी एक ऑप्टिकल मीडियम ही है, बस इसमें क्या है कि CD से ज़्यादा स्टोरेज रहता है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट। आपने पढ़ा था कंप्यूटर के अंदर टोटल 3 चीज़ें होती हैं, CPU, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट। फिर आपने पढ़ा CPU के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं, रजिस्टर्स, ALU
और सीयू कंट्रोल यूनिट, तो आप ये तीन पढ़ चुके हो। मेमोरी यूनिट अभी आपने यहीं पे फिनिश किया है। अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट की। इनपुट आउटपुट क्या है? इनपुट का मतलब कुछ चीज़ कंप्यूटर को देना, आउटपुट मतलब जो कंप्यूटर बाहर निकाल के हमें देगा, सिंपल से वर्ड्स में। तो इनपुट क्या है? इट इनेबल्स अस टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनकी वजह से हम कंप्यूटर में डाटा डाल सकते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस, हम डाटा डालने में हेल्प करते हैं। आउटपुट इनेबल्स द कंप्यूटर टू शो द रिजल्ट। आउटपुट क्या है? कंप्यूटर जिसकी मदद से हमें रिजल्ट दिखाता है, दैट इज आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम माउस की हेल्प से सही ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, तो माउस की हेल्प से हमने डेटा एंटर किया और डेस्कटॉप ने हमको दिखा दिया कि आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, उसने आउटपुट हमको दे दिया। तो ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हाँ एक और चीज़, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं, एडिशनल डिवाइसेस जो मदद करती हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरफेस एज दे ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन फॉर मैन एंड मशीन। इनको इंटरफेस भी बोला जाता है। मैं आपको ये बता दूँ इंटरफेस का मतलब क्या है। इंटरफेस का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो आर्बिट्रेटर का काम करे। आर्बिट्रेटर मतलब जो बिचौलिए का काम करे, आप प्रॉपर वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ, जो कि हेल्प करे दो लोगों को बीच में अंडरस्टैंडिंग करने की। तो कंप्यूटर और हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये डिवाइसेस की वजह से है। तो इनको पेरिफेरल डिवाइसेस या इंटरफेस भी बोला जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी हैं, बहुत शॉर्ट में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं OMR। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो OMR शीट पे हम लोग, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, वो OMR शीट पे ही होते हैं। अगर आपको ने देखी हो, OMR शीट होती है कुछ इस टाइप से, जिसमें होल्स होते हैं बीच में, हम इस पे करेक्ट ऑप्शन पे मार्क करते हैं। तो सबसे पहला है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म्स हैं, हमने सही ऑप्शंस पे क्लिक कर रखा है, हम वो उस मशीन में डालेंगे और वो रीड करेगा कि किस क्वेश्चन में किस ऑप्शन पे इन्होंने टिक कर रखा है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस कैपेबल ऑफ रीडिंग स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड फॉर्म्स। ये जो फॉर्म्स भी बनते हैं ना, जो इसमें इंक यूज़ होती है वो मैग्नेटिक इंक यूज़ होती है, तो इसलिए ये सिर्फ यही फॉर्म्स को पढ़ सकते हैं। विच हैव अ प्रोविजन फॉर ब्लैक मार्क्स एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, और नॉर्मली ब्लैक कलर को ज़्यादा डोमिनेंटली ये पढ़ पाते हैं, तो इसके अंदर जगह होती है, वहाँ पे ब्लैक मार्क को पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक, देखो आप देख सकते हो ये है OMR, हम इसमें फॉर्म डालते हैं और जब ये जाता है तो सारे के सारे जहाँ किस क्वेश्चन पे मार्क किया आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है MICR, जो बैंक के चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए यही है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और रीडर। इस पे भी मैग्नेटिक इंक यूज़ करते हैं, तो जो चेक्स यूज़ होते हैं उन पे साइड में बार कोड होता है मैग्नेटिक इंक का होता है, उसको रीड करने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हो गया BCR, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर तो आपको पता होगा, बार कोड होता है उसको रीड करने के लिए ये मशीन हम यूज़ करते हैं मॉल्स वगैरह में, तो ये स्कैन करता है और बार कोड को डिकोड करता है, सारा इन्फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, MRP सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट है QR, क्विक रेस्पॉन्स। आपने देखा होगा QR कोड, गूगल पे वगैरह हम सब यूज़ करते हैं, तो QR कोड से हम सारी पेमेंट्स करते हैं स्कैन करके। तो QR कोड किस लिए है कि उसको स्कैन करो, हमारे फ़ोन में भी है ये इनपुट डिवाइस। इसमें कोड का एक मैट्रिक्स होता है, अलग अलग डॉट्स होती हैं, कॉम्बिनेशन होती है, उनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो उसको स्कैन करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। नेक्स्ट, तो ये हो गई इनपुट डिवाइसेस। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सबको पता है कि कैसा होता है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, जिसमें हर टाइप की कीज़ होंगी। मैं आपको बताऊं, जैसे अल्फाबेटिकल कीज, अगर मैं आपको कीबोर्ड दिखाना ही करूं, तो ये हमारे पास एक कीबोर्ड है, ये एक कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सारी कीज़ हैं, ये अल्फाबेटिकल कीज़ हैं जिसके अंदर ABCD सब कुछ लिखा हुआ है। ऊपर फंक्शन कीज़ हैं F1 से F2 तक। न्यूमेरिकल कीज़ हैं जो बिल्कुल ये लेफ्ट, अगर मैं इस तरीके से पकड़ा हुआ है तो बिल्कुल लेफ्ट पार्ट में होंगी। तो ये सारी जो कीज़ हैं सब कीबोर्ड के अंदर हैं। तो अल्फाबेटिकल कीज़ हैं, नंबर कीज़ हैं 0 to 9, फंक्शन कीज़ हैं F1 से F12, मॉडिफायर कीज़ होती हैं कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, टोगल कीज़ होती हैं कैप्स लॉक, न्यूमरल लॉक, स्क्रोल लॉक, इनसे ये सब इनको ये बोला जाता है। 104 कीज़ होती हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में और 17 कीज़ होती हैं नंबर पैड में।
इसके बाद हम बात करते हैं माउस की। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। दो टाइप के माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में नीचे लाइट, रेड लाइट या अलग अलग कलर की लाइट जल रही होती है, वो ऑप्टिकल माउस होता है। और एक होता है मैकेनिकल माउस, जिसमें बीच में बॉल होती है, उसमें कोई लाइट नहीं दिखेगी, वायर से वो कनेक्टेड रहता है। चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल समझो माउस की टू कॉपी है। माउस की बजाय ट्रैक बॉल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस है दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ माउस। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है बेसिकली, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। लाइट पेन ऐसी डिवाइस है जिससे आप डायरेक्टली मॉनिटर पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये लाइट पेन होते हैं, यूज फॉर डिजिटल सिग्नेचर। इट कैन वर्क विद एनी CRT बेस्ड मॉनिटर। जो कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर होते हैं उनके साथ ही काम कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मॉनिटर पे लिख सकते हो। जैसे ये भी अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख पा रही हूँ। स्टाइलस की अगर मैं बात करूँ, स्टाइलस क्या है, एक पेन होता है। ये अगर आपको कुछ एक ग्राफिक स्क्रीन होती है प्रॉपरली जिस पे आप लिख सकते हो, मतलब एक छोटी सी स्क्रीन होगी, ग्राफिक स्क्रीन होगी, जैसे हम लोग CPT वाली वीडियोस हमने बनाई थी आप समझ सकते हो, वहाँ हम स्टाइलस पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ क्या है, एक ग्राफिक स्क्रीन होती है, उस पर आप लिख सकते हो और वो जो भी आप लिखोगे, जो ड्रॉ करोगे, वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। तो ये स्टाइलस है। पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस That is used to draw or write on the screen of a graphic tablet. ये सिर्फ CRT based monitor के साथ काम करेगा। और ये stylus जो होता है basically pen है जो कहीं पर भी काम करेगा, तो graphic tablet होना चाहिए। चलिए अगला है scanner। scanner आप सबको पता होगा, हम लोग अपने documents बहुत scan कराते हैं। तो ये एक input device है जो कि image को read करती है और साथ में क्या करेगी, उसको कन्वर्ट कर देगी डिजिटल फाइल में। अगर हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम क्या करें, हम उनको सबको अपने फ़ोन में स्कैन करा के रखते हैं डिटो। तो हम इससे क्या होगा कि जितनी जो भी इमेज है उसको वो कन्वर्ट कर देगी एक डिजिटल फाइल में। और अलग अलग टाइप के स्कैनर्स होते हैं, जैसे सबसे पहला है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर में क्या होगा, एक फ्लैट सरफेस होगा, वो फ्लैट सरफेस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा। तो यानी आपको क्या करना होगा, बस पेपर ऊपर रखना है, स्कैनिंग हो गई और छोड़ दिया। अगला है शीट फेड स्कैनर। शीट को फेड करना पड़ेगा, शीट को अंदर देना पड़ेगा। तो आप उस स्कैनर में पेपर अंदर दोगे, फिर पेपर पे जो भी लिखा हुआ है तब वो उसको स्कैन करेगा। तो पेपर इज फेड इनटू द स्कैनर। नेक्स्ट हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या है, कुछ नहीं है, पेपर है, ये मेरे पास हैंड हेल्ड स्कैनर है। मैं जैसे जैसे उस पेपर पे यहाँ पे इस तरीके से करती जाऊँगी तो जो लिखा हुआ है वो ये स्कैन करता जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसी डिवाइस होती है जैसे हम मॉल में जाते हैं बार कोड रीडर के जैसी, ऐसी डिवाइस होती है। तो हैंड हेल्ड स्कैनर क्या है, स्कैनर इज ड्रैग्ड ओवर द पेज टू बी स्कैन। नेक्स्ट हो गई इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक। ये आई थिंक आप सबको पता होगा, ये गेमिंग डिवाइस है। इससे क्या है, वीडियो बेसिकली सिर्फ वीडियो गेम्स को कंट्रोल करने के लिए ये स्टिक है। आप इसको मूव कर सकते हो सब डायरेक्शन में, बटन्स होते हैं आगे पीछे जाने के। तो ये है आपकी जॉयस्टिक। नेक्स्ट टच पैड। ये लैपटॉप में होते हैं, आपको दिख रहा होगा जहाँ पे आपकी आप माउस की तरह इसको यूज़ करते हो टच पैड को। तो ये एक स्पेशलाइज्ड सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है जो आपकी फिंगर जहाँ जहाँ मूव करेगी उसको ट्रांसलेट कर देता है स्क्रीन पे। दैट कैन ट्रांसलेट मोशन एंड पोजीशन ऑफ ए यूजर्स फिंगर टू अ रिलेटिव पोजीशन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम पे आप जहाँ जहाँ फिंगर मूव करोगे वहाँ वहाँ आपका कर्सर मूव करेगा। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या, आप लगाते हो, आपको क्या होता है, साउंड जो एनर्जी साउंड है वो सुनाई देती है आपको। तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। ये साउंड वेव को माइक्रोफोन वो है जिससे आप बोलते हो, आप कुछ भी बोल रहे हो वहाँ से जाएगी, तो आप साउंड एनर्जी देते हो और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है आपके सिस्टम के अंदर। तो एक इनपुट डिवाइस, अगर आपको कुछ साउंड रिकॉर्ड करनी है, आपको इनपुट देना है, तो आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट है पेन टैब। पेन टैब क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारे जो एक टैबलेट होती है उस पर पेन से लिख सकते हैं, जो नोट पैड वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वही है। इनेबल्स द यूज़र टू हैंड ड्रॉ इमेजेस। हाथ से आप सीधा टैबलेट पे ड्रॉ कर सकते हो, एनिमेशंस बना सकते हो, ग्राफिक्स बना सकते हो विद अ स्पेशल पेन लाइक स्टाइलस। टैबलेट होता है, स्टाइलस पेन का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो, तो उनको पेन टैब या पेन सिंपल पेन टैब बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो एनाइम बनती हैं या फिर जो अब आज के डेट में कार्टून्स वगैरह के जो स्केच बनते हैं वो प्रॉपरली टैबलेट पर ही बनाए जाते हैं, तो ये है पेन टैब।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जो हमको रिजल्ट्स देंगी। तो सबसे पहला आ गया आपका मॉनिटर। तो मॉनिटर में अगर मैं बात करूं, इट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर कहलाती है। मॉनिटर आपके चार टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो आ गया वो आ गया आपका सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट आ गया आपका टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो बिल्कुल पतले वाली जो फिल्म्स होती हैं वो टीएफटी हो गई। नेक्स्ट हो गई एलसीडी, ये सबको पता है हमारे घरों में एलसीडी स्क्रीन या एलईडी लगती है अभी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी की फुल फॉर्म। और एलईडी हो गई लाइट एमिटिंग डायोड। इसके साथ यही दिक्कत है कि अगर ये एक बार ख़राब हो गई तो ये ठीक बहुत मुश्किल से होती है या होती ही नहीं है मैक्सिमम चांसेस में। तो ये हो गई आपकी चार टाइप के मॉनिटर्स। कौन कौन से हो गए? सबसे पहला है आपका सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, अगर मैं कलर्स के बेसिस पे उनको डिवाइड करूँ तो बहुत आसान है, दो ही हैं, या तो ब्लैक एंड वाइट, मोनो कलर्स यानी मोनोक्रोम, मोनो मतलब सिंगल, जो सिंगल कलर पे काम करते हैं, और कलर मॉनिटर्स यानी मोनोक्रोम होगा ब्लैक एंड वाइट जो पहले चलते थे, और कलर मॉनिटर्स आपको पता है जो हम आज की डेट में यूज करते हैं जिसमें सारे कलर्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, दैट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर आपको पता है हम कुछ भी कंप्यूटर में बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, आपको उसको प्रिंट निकलवाना है, हम फॉर्म भरते हैं तो आपको एक हार्ड कॉपी चाहिए होती है, हाथ में चाहिए होती है कॉपी, राइट? तो आप प्रिंटर के थ्रू उसको निकालते हो। तो लेकिन प्रिंटर का टॉपिक थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो प्रिंटर्स जो होते हैं कई सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट। अच्छा देखो, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? असर डालना, राइट? तो अगर पेपर पे कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी, इस तरीके से प्रिंटिंग होगी, उसको इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं, हैमर होता है वो स्ट्राइक करता है रिबन की तरह, और तब पेपर पे प्रिंटिंग होती है। यूज़ हैमर एंड रिबन ऑन द पेपर डायरेक्टली, पेपर पे हिट करते हैं तब इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल है डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर्स, ठीक है? तो आप कैसे याद रखोगे कि अगर इम्पैक्ट यानी कोई चीज़ असरदार तरीके से करनी है तो लाइन में लगाओ, लाइन के एंड में हम डॉट लगाते हैं और डॉट से ही मिला के व्हील बनाएंगे, तो लाइन डॉट व्हील। तो ये तीन टाइप के, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर्स, ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है, लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो आज की डेट में एडवांस प्रिंटर्स हम यूज़ करते हैं कि हमने बस पेपर इंसर्ट किया, वो अपने आप कोई ठक ठक की आवाज़ भी नहीं आती, सिंपल पेपर पे से प्रिंटिंग होके निकल जाता है, लाइट की हेल्प से हम प्रिंटिंग करते हैं। तो इसमें हैमर और रिबन हम यूज़ नहीं करते, पेपर पे कुछ स्ट्राइक नहीं करता, जैसे इंकजेट हो गया, लेज़र हो गया, थर्मल प्रिंटर्स हो गए। प्रिंटर्स जो हैं जनरली तीन वर्जन्स में आते हैं, डॉट मैट्रिक्स या आपने देख ही लिया, डॉट मैट्रिक्स के अलावा इंकजेट और लेज़र, यानी इसका तो ये काफ़ी फेमस वर्जन है, इसका इंकजेट और लेज़र ये काफ़ी वर्जन फेमस है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो जैसे डॉट मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, डॉट्स डॉट से मिला के पूरा अल्फ़ाबेट, पूरा प्रिंटिंग होगी डॉट से मिला के। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरी टाइनी डॉट्स। अगर ए लिखना है तो ए इस तरीके से लिखा जाएगा, बहुत छोटी छोटी डॉट्स होंगी जिनके कॉम्बिनेशन से आप ए लिख पाओगे, ठीक है? तो डॉट्स के कॉम्बिनेशन से आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम करता है। इंक जेट क्या है, इंक का जेट यानी इंक स्प्रे करोगे तो प्रिंटिंग होगी, इट स्प्रेज जेट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर, नाम से ही जस्टिफाइड हो रहा है। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर्स यूज अ लेजर बीम टू एक्चुअली बर्न द करेक्टर्स ऑन टू द पेपर, यानी लेजर, जो लेजर होती है उसको इस्तेमाल करके अल्फाबेट्स की प्रिंटिंग की जाती है। तो ये तीन टाइप के कंप्यूटर्स हो गए। प्लॉटर्स, प्लॉटर्स काफ़ी फेमस हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर जो लगाते हैं वो प्लॉटर से निकलते हैं। तो प्लॉटर क्या है, प्रिंटर का ही एक थोड़ा बड़ा रूप है, उसमें बहुत बड़े बड़े जो बैनर्स वगैरह हैं ना, मतलब साइज़ जब बड़ा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जितना बड़ा पैनल, अगर इतने बड़े साइज़ का मुझे बैनर निकलवाना हो वो प्रिंटर से नहीं निकलेगा, प्रिंटर छोटे होते हैं, वो प्लॉटर से निकलेगा। तो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एक्यूरेट एंड बिगर ड्राइंग्स। ये कैड में, कैम एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे घर का मैप बनाना है, बैनर बनाने हैं जैसे मैंने अभी बताया, होर्डिंग्स बनते हैं, कार के पार्ट्स बनते हैं, कार की जो प्रिंटिंग होती है वो जो शीट बिछाई जाती है
उसमें हम प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। पोर्ट्स की बात करें, पोर्ट्स क्या है, फोन में हम चार्जिंग लगा रहे हैं, चार्जिंग केबल जो होती है वो लगा रहे हैं, वो पोर्ट में लगाते हैं, जो जगह होती है जहाँ पे स्विच ऐड हो जाते हैं उनको बोलते हैं पोर्ट्स। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और मोस्ट प्रोबेबली ये आई थिंक सेकेंड या थर्ड लास्ट टॉपिक है, पोर्ट्स की बात करते हैं। पोर्ट क्या है, जैक है या रिसेप्टिकल है जिसमें हम दूसरी डिवाइस ऐड करते हैं। सीपीयू के पीछे कई सारे पोर्ट होते हैं, कीबोर्ड वाले पोर्ट में कीबोर्ड का स्विच लगा दो, माउस वाले पोर्ट में माउस का स्विच लगा दो। तो पोर्ट क्या है, जैक है, जैक का मतलब खाली जगह, या वो रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल का मतलब जो रिसीव करेगा, वो एक ऐसी जगह है जो दूसरी डिवाइसेस के सॉकेट्स को रिसीव करेगी, तो पोर्ट ये हो गए। सम पोर्ट्स आर यूनिवर्सल सीरियल बस, तो यूएसबी जिसको बोलते हैं, इनमें सब कुछ लग सकता है। तो कुछ पोर्ट्स तो ऐसे होते हैं, कुछ सी पोर्ट होते हैं, सी टाइप के आपने देखा होगा, आजकल सी टाइप के आ रहे हैं, उसमें ऊपर और नीचे जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल, जो साइज होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। कुछ अलग अलग टाइप के, इस टाइप के जो चार्जिंग केबल होते हैं उनके जो सॉकेट्स होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं, तो ये अलग अलग साइज में आते हैं। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल, जैसे सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। यूएसबी तो मैंने आपको बता ही दिया, उसमें हर कुछ लग सकता है, इसी के साथ से पेन ड्राइव वगैरह हम लगाते हैं। पैरेलल में क्या होता है, बिल्कुल इक्वल साइज में होता है, काफ़ी बड़े बड़े डॉट्स होते हैं, और सीरियल पोर्ट्स होती हैं। तो ये तीन चार टाइप के अलग अलग पोर्ट्स हैं जिनके बारे में इतना नहीं पढ़ना, बस ये पता होना चाहिए पोर्ट होता क्या है, जिसमें भी आप डिवाइस ऐड करते हो एक्स्ट्रा, उस जगह को पोर्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है कुछ फैक्ट्स, अब सिर्फ फैक्ट्स बच रहे हैं, फटाफट से फिनिश करते हैं। हार्डवेयर, अभी मैंने आपको बताया था ना, सॉफ्टवेयर आप टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर कंप्राइजेज ऑफ द फिजिकल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो भी फिजिकल चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हो उसके अंदर वो आएगा। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम्स का सेट है। डेटा क्या होता है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो डेटा है, यानी रॉ चीज़, बिल्कुल जिसमें अभी तक आपने कुछ काम ही नहीं करा है, कंप्यूटर काम करेगा। तो दीज आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताया था, मतलब ये वो है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, फटाफट से क्विक रिवीजन, इस पूरी वीडियो में क्या पढ़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताया था, कि आपको नहीं पता कंप्यूटर के अंदर क्या है, कंप्यूटर को नहीं पता मैं क्या लैंग्वेज बोल रही हूँ, तो हमने बीच में एक इंटरफेस बना दिया कि मुझे ये इंग्लिश लैंग्वेज समझ आ रही है, कंप्यूटर को भी ये वाली लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो मैं टाइप कर रही हूँ वो समझ रहा है। तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं कंप्यूटर में चलाती हूँ। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट, बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एंड्रॉयड है, हमारा अलग तरीके से फ़ोन चलता है, एप्पल फ़ोन अलग तरीके से चलता है, उसके अंदर दूसरा है, मैक है। तो सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डोस, यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स, सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है, मैक ओएस एक्सेट्रा। इसी के अलावा जितना भी कंप्यूटर में आप डेटा दोगे ना, कंप्यूटर का क्या करता है, एक जैसे डेटा को एक साथ रखता है, उसको बोलते हैं डाटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डाटा का, यानी जो डेटा एक जैसा होगा उसको एक साथ रखना, उसको बोलते हैं डेटाबेस। एमएस एक्सेस, अच्छा ये डेटाबेस को स्टोर कहाँ करता है कंप्यूटर, एक्सेस में, क्योंकि उस डेटाबेस को उसको एक्सेस करना है, यूज़ करना है। तो एमएस एक्सेस इज़ अ पावरफुल प्रोग्राम टू क्रिएट एंड मैनेज अवर डेटाबेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों। अब कुछ आपके ना इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर। अगर आपके पास कंप्यूटर है, पीसी है, आप देख सकते हो, वहाँ डेफिनेटली आपको मिलेगा विंडोज़ एक्सप्लोरर का एक छोटा सा फोल्डर, या सॉरी आपको एक आइकन दिखाई देगा, एक छोटा सा सिंबल दिखाई देगा। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है, एक तो ये पुराना नाम है, अब जो इसका नया नाम है वो है फाइल एक्सप्लोरर। इसके अंदर कंप्यूटर में जितनी फाइल्स होंगी वो सारी आपको दिख जाएंगी। पहले इसका नाम था विंडोज़ एक्सप्लोरर, कि विंडोज़ में क्या क्या है उसको एक्सप्लोर कर लो, अब है फाइल्स एक्सप्लोरर। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बेसिकली। अगर आपको मैं इसका इंटरफेस दिखाऊं, यहाँ पे तो होगा जैसे लिखा होता है लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, तो लेफ्ट साइड पे तो होगा कितनी डिस्क हैं। डिस्क का मतलब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम अलग अलग स्टोर बना देते हैं। सबसे पहला हो गया सी, ये सी स्टोर बना दिया, सी डिस्क बना दी, इसमें स्टोर करना है इसमें स्टोर कर लो, इसमें नहीं करना अगली बना दी डी। आपने देखा होगा अलग अलग बनी हुई होती हैं। तो लेफ्ट साइड पे तो डिस्क और फोल्डर्स दिखाई देंगे किसके अंदर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि मैंने सी के अंदर फोल्डर बनाया है राधिका के नाम से, राधिका के अंदर फोल्डर बनाया है कंप्यूटर के नाम से,
तो लेफ्ट साइड में आपको यही हायरार्की दिखाई देगी, और राइट साइड में आपको जिस पे भी क्लिक करोगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब दिखाई देगा। यानी राइट साइड में वो डिटेल्स दिखाई देंगी जो इसके अंदर होगी। कंप्यूटर के अंदर अगर चार वीडियोस हैं तो राइट साइड पे वो चारों वीडियोस आपकी बन के आ जाएंगी। तो ये है विंडोज़ एक्सप्लोरर, जिसको नया नाम है फाइल एक्सप्लोरर। ये हैं कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स जो अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, आई डोंट थिंक कि आपको नहीं पता होंगे, और अगर आप कंप्यूटर यूज़ नहीं करते तो फिर भी कुछ हैं जो मैं अभी मार्क करके आपको बता दूंगी, जो आप लर्न कर ही लीजिएगा। जैसे अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का सब कुछ सेलेक्ट करना है, तो या तो कंप्यूटर से मैं सबको ऐसे सेलेक्ट करूँ, माउस यूज़ ही नहीं करना, कीबोर्ड से मैं क्या यूज़ करूँगी। कंट्रोल, एक की होती है बिल्कुल लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में, कंट्रोल प्लस ए, इससे सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि ये सब कुछ बोल्ड में लिखा हुआ है, ये बोल्ड में नहीं है, ये बोल्ड में है, थोड़ा मोटा लिखा हुआ है। तो बोल्ड में करना है तो कंट्रोल प्लस बी, कॉपी करना है मुझे सेम इसी को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी। इसके अलावा तीन अलाइनमेंट्स होते हैं, जब आप कुछ भी लिखते हो तीन अलाइनमेंट्स होते हैं, तो या तो आप लिखते हो पेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड या राइट साइड या सेंटर में या फिर राइट साइड पे, तो तीन अलाइनमेंट होते हैं। अगर आप लिखते हो लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट अलाइन बोलते हैं, सेंटर में लिखते हो तो उसको सेंटर अलाइंड या जस्टिफाइड बोलते हैं, और अगर आप बिल्कुल राइट साइड में लिख रहे हो तो राइट अलाइंड। तो लेफ्ट में करना है तो कंट्रोल एल, राइट में करना है तो कंट्रोल आर, और सेंटर में करना है तो कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है, जैसे सीधे लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा टेढ़ा लिखना है, इटैलिक्स, हल्का सा कर्सिव में लिखना है तो कंट्रोल आई। जस्टिफाइड का मतलब होता है बिल्कुल जितनी पहली लाइन की लेंथ है उतनी ही अगली लेंथ होगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि आपके लिए एक बहुत छोटी सी वीडियो अलग बन जाए, जिसमें सारे शॉर्टकट्स जो हैं मैं आपको खुद करके बता सकूं कि इनसे क्या होता है। तो एक वीडियो आपकी सिर्फ इसी की बनेगी, जिसमें सारे शॉर्टकट्स मैं आपको करके दिखा सकूं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हमें ज़्यादा लर्न होती हैं। तो जे से हो गया जस्टिफाइड, जस्टिफाइड का मतलब होता है एक के नीचे एक के नीचे एक, लेकिन बिल्कुल सेम लेंथ की होंगी ये। अभी मैंने बताया कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइंड, कंट्रोल एन, अगर कंट्रोल एन प्रेस कर देते हो तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। अगर पावर पॉइंट चला रहे हो, आपने कंट्रोल एन कर दिया, एक नई स्लाइड खुल जाएगी, बिल्कुल फ्रेश डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए, अगर आपने पावर पॉइंट खोला, आपको कोई पहला कुछ पावर पॉइंट की स्लाइड है, आपको उसको ओपन करना है, कंट्रोल ओ करो, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपकी सारी फाइल्स आ जाएंगी जो पावर पॉइंट की होंगी, आप उसमें सेलेक्ट करके खोल सकते हो अपनी फाइल। F12 सेव एज, F12 के लिए सेव, जो अगर F ऊपर फंक्शन कीज होती हैं, F12 का यूज़ होता है सेव एज के लिए। कंट्रोल आर, राइट अलाइन, ऑल्ट प्लस टैब, अगर आपने कई सारी चीज़ें एक साथ खोली हुई हैं, पावर पॉइंट भी खोला हुआ है, वर्ड भी खोला हुआ है, कई सारी चीज़ें खोली हुई है, आप पावर पॉइंट पर हो, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट आपने वर्ड खोला था, वर्ड पे जाना है, तो आपको कुछ उसको मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको काट रहे हो फिर आप अगला खोल रहे हो, नहीं, ऑल्ट प्लस टैब करोगे तो अगले प्रोग्राम पे अपने आप जंप कर जाएगा। कंट्रोल जेड, गलती हो जाए तो हम कंट्रोल जेड दबाते हैं एकदम उसको वापस करने के लिए, इसका जस्ट उल्टा है कंट्रोल वाई रीडू, जो नहीं किया उसको वापस दोबारा से करने के लिए। तो कंट्रोल वाई है रीडू, कंट्रोल जेड है अंडू, अंडू का मतलब होता है जैसे मैंने अभी ये किया था, देखो ये लाइंस ड्रॉ करी, ये हो गया अंडू, देखो ये हट गया, लेकिन मुझे वापस चाहिए तो मैं ये कर दूंगी, ये हो गया रीडू। इसके अलावा कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज फाइल, अगर मुझे इसको सब कुछ क्लोज करना है, मैं इसके पैनल के कीबोर्ड से कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दूंगी, फाइल क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल एक्स, कट, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मटेरियल है यहाँ से कट करके कहीं और मुझे डालना है, तो इस पर सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस कर दूंगी। कंट्रोल वी, पेस्ट, जब दूसरी जगह जाऊंगी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। कंट्रोल एस से सेव हो जाती है फाइल, F7 से स्पेलिंग्स चेक हो जाती हैं, और F2 से आप फाइल का नेम चेंज कर सकते हो। इसी के साथ ये कुछ फाइल्स और भी हैं, कुछ शॉर्टकट्स और भी हैं। ऐसे कंट्रोल प्लस होम पे जाओगे तो इस फाइल के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, यानी बिगनिंग पे। कंट्रोल के साथ एंड दबा दिया तो बिल्कुल एंड पे पहुंच जाओगे। ऑल्ट शिफ्ट टैब, तीनों एक साथ प्रेस कर दिए तो जैसे ऑल्ट प्लस टैब से क्या था, अगले पे जा रहे थे, ऑल्ट शिफ्ट टैब से पहले वाले पे चले जाओगे। मतलब आप पावर पॉइंट पे हो, इसके बाद आपने वर्ड ओपन किया, इससे पहले एक्सेल ओपन कर रखा था, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, कुछ नहीं करना है, ऑल्ट प्लस टैब। लेकिन अगर पहले वाले पे जाना है, ऑल्ट
प्लस शिफ्ट प्लस टैब के साथ ऑल्ट और F4 अगर एक साथ प्रेस कर दोगे तो शटडाउन हो जाएगा। कंट्रोल यू अंडरलाइन, मुझे जो मैंने लिखा है मुझे अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू, प्रिंट करना है प्रिंटर को कमांड देनी है कंट्रोल पी, कुछ क्लिक करने की नीड नहीं है। और कंट्रोल के से हाइपरलिंक, आप कुछ लिख रहे हो, आपने वो जो लिखा है वो नेट पे से लिखा है तो आपको वो लिंक इसमें ऐड करना है कि हाँ अगर आपको देखना है आप इस वेबसाइट पे चले जाओ, तो हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल के का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये कुछ टर्म्स हैं जो इस वीडियो में हमने यूज़ किए हैं, अदरवाइज़ जो जितनी भी एब्रीविएशंस हैं वो अलग वीडियोस आएगी, उसमें आपको सारी शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हमने इनका इस्तेमाल किया है। सबसे पहला है INIEC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है मैनुअल, और डिजिटल जो प्रैक्टिकल बना था वो UNIVAC था। तो INIEC क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और UNIVAC है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। SSC के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जैसे मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले कि प्लेलिस्ट हैं, आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, क्योंकि क्रैश कोर्स से क्या है कि आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत शॉर्ट में। तो आपके पास बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि जितनी भी वीडियोस हैं उन सबकी PDF टेलीग्राम चैनल पे 2 से 3 दिन के अंदर अपलोड हो जाती हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी जो सर ऑलरेडी कर चुके हैं कि ऑफिसर्स बैच मेंस के लिए, ऑफिसर्स बैच को ज्वाइन कीजिए अगर आपको नीड है तो। इसमें आपको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स इंग्लिश GK और रीजनिंग, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के SSC CGL CHSL CPO MTS चैनो, इन सब की आपके पास सारा कोर्स, सारे प्रैक्टिस सेशंस आपको बहुत अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिल जाएंगे। 9 मंथ्स की वैलिडिटी है एंड एट ओनली 1999। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। इसी के साथ मैं आपको बता भी दूं कि द्रोणा बैच, जो द्रोणाचार्य बैच है वो सर ने लॉन्च किया है, टारगेटेड मैथ्स बैच है। अगर आपका मैथ्स वीक है आप वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो आपका टेस्ट जो बैच है वो अमन सर का है, GS के लिए कंप्लीट। अगर आपको प्रॉपर, आपको ऑफिसर बैच की नीड नहीं है, आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज करना है, तो यह हमारे पास 4 बैच हैं। रीजनिंग का हैप्पी राव सर का है, इंग्लिश का अमन सर का है, मैथ्स का सर ने द्रोणाचार्य बैच लॉन्च किया, और GS में मेरा और शिवम सर का है जिसमें सभी टॉपिक्स अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।